सो गाइस जस्ट ना मैंने भाई साहब यहाँ पे हरर गंगे का एक पोस्टर देखा, ऐसे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था ना, सडनली मेरे स्क्रीन के ऊपर आ गया यहाँ पे भाई साहब पवन सिंह मूवी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे पैन इंडिया बात हो रही है। क्या लगता है क्या ये मूवी कुछ दमदार रहेगी? एंड कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो मूवी आ रही है भाई साहब हरर गंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बनाया जा रहा है क्योंकि केसारी लाल की संघर्ष 2 आ रही पैन इंडिया। कुछ कंपटीशन है, अब ये ईगो है, क्लैश है, जो भी है वो बात की बात है। इसे फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे हर हर गंगे का टीजर। एंड क्या ये वाकई में इतनी दमदार है क्या भाई साहब, जो ये पैन इंडिया सोच रहे हैं? क्या भाई साहब यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह कुछ जबरदस्त करेंगे या फिर नहीं? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप पैन इंडिया आ रहे हैं तो पैन इंडिया में भाई साहब आपकी बेइज्जती भी होगी उसी हिसाब से। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई साहब ये धांसू टीजर। 3, 2, 1 गो। लेट्स सी पवन सिंह क्या लेकर के आ रहे इस बार। केसारी तो आ चुके हैं, चल भैया सिनेमा आर्ट्स। क्या केजीएफ जी बना रहे क्या? स्वर्ग से धरा पर जिसने था उतारा, ओके गंगा ने उस भगीरथ को फिर से पुकारा। अपनी माँ गंगा की सुरक्षा करने। जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब। हर हर गंगे। भाई पवन सिंह तो इस बार घर का उड़ाने वाले। हम गंगा के अपन माई मानिनी, हम माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकीला। हर हर गंगे। ओके डन। ओके भाई साहब नहीं पवन सिंह। पवन सिंह का क्या है, पावर स्टार पवन सिंह क्या सीन है भाई? क्या लग रहा है क्या जबरदस्त है कुछ फाड़ सकता है? सो सिंपल सी बात बोलूंगा यार, तो देखो इसके पहले जो भोजपुरी इंडस्ट्री की केसारी बाबू ने ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर संघर्ष 2, कुछ लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि संघर्ष 2 के कंपैरिजन में भाई साहब ये मूवी का क्या सीन हो सकता है, या फिर क्या भाई साहब यहाँ पे केसारी वर्सेस पवन सिंह होने वाला है? क्या भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री के दोनों शान आपस में भिड़ने वाले हैं? क्या भाई साहब यहाँ पे कुछ ईगो का सीन है जिसकी वजह से भाई साहब यहाँ पे केसारी ने पैन इंडिया ट्राई किया तो भाई साहब यहाँ पे पवन सिंह भी आ रहे हैं? गाइस मैं तो बोलता हूँ चाहे जो भी रीज़न हो, आपकी भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री लोगों के सामने आ रही तो ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है। इस वजह से आपको इन दोनों फिल्मों का सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं कंपैरिजन बोलूँ ना, तो जब मैंने संघर्ष 2 का ट्रेलर देखा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था, बट कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बचकाने टाइप की थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि शायद से कुछ और ज़्यादा मेहनत लोग कर सकते थे। बट एट दी एंड मैं बोलूँगा कि ये लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जब आप कोशिश करेंगे तभी कहीं ना कहीं आपके सोच में और ज़्यादा ग्रोथ आएगा, एंड आप कुछ और बड़ा अचीव करने की कोशिश करेंगे तो शायद से हो सकता है कि आगे चल कर कुछ नया कुछ और अच्छा खासा इवॉल्व करें लोग, कुछ अच्छी खासी स्टोरी यूज़ करें, अच्छे खासे भाई VFX CGI जो भी आप यूज़ करते हैं कुछ अच्छा ढंग से यूज़ करें तो बात की बात है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखूँ तो हाँ संघर्ष 2 भी काफ़ी दमदार है। एंड वहीं दूसरी बार अगर बात करते हैं भाई साहब हर हर गंगे, सो गाइस हर हर गंगे का सीन ऐसा है ना कि ये ट्रेलर ये टीजर जो है मुझे इससे ज़्यादा इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एक्चुअली मैं इस पर पहली बार सुना जिस मैंने इसे स्क्रीन के ऊपर देखा हर गंगे का टीजर, तो मैंने चलो चेक करते हैं कि भाई साहब क्या सीन चालू, क्या पवन सिंह भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से रेडी होकर के आ रहे हैं, एंड क्या ये एक्चुअली में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर संघर्ष 2 से। सो हाँ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीलिंग आ रही है। अब इसके मैं दो रीजन बताऊंगा। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे पवन सिंह ने अपने एंट्री सीन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, सिनेमेटोग्राफी भी जो उनके आसपास का जो सीन है, जब उनकी एंट्री सीन हो पानी वाला सीन हो गया, या फिर भाई साहब यहाँ पे जो एक्शन मोड के अंदर ये थोड़े बहुत दमदार लग रहे हैं, और इसके अंदर भी कुछ बचकानी हरकत है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ बचकानी हरकत भाई साहब यहाँ बचकानी हरकत भी है। यहाँ भाई साहब अगर आप देखते हैं जो माँ वाला जो सीन दिखाया गया यहाँ पे वो विग लगा करके साफ साफ नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ पे लाश वाला जो सीन मगरमच्छ सीधा लेकर के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पावर स्टार को कुछ ज़्यादा नहीं इसलिए पावर स्टार बनाने की कोशिश करें। बट ठीक है, मतलब ये भी अच्छा खासा है, मतलब मज़ा आएगा पब्लिक को देखने, मज़ा आएगा उनके फैंस को काफ़ी अच्छा खासा लगेगा कि भाई फाइनली हमारी जो फिल्म है वो पूरी तरह से पैन इंडिया आ रही है। सो
फैंस तो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे ही। एंड बाकी क्या है, मतलब अब तक जितने हम लोग मूवीज़ देखते आ रहे हैं तो उनके कंपेरिजन में दोनों मूवीज़ काफ़ी दमदार हैं। एंड पवन सिंह भी काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और दोनों में भले ही क्लैश हो, ईगो हो, जो भी हो, एट द एंड कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री लोगों की नज़र में आएगी एंड लोग कुछ हट करके देखेंगे। लेट्स सी क्या इस मूवी के अंदर कुछ अच्छे खासे ढंग के गाने होंगे या फिर नहीं। और क्या भाई साहब, यहाँ पे पवन सिंह वाकई में कुछ ज़बरदस्त और इनके पास है, जो हम लोगों ने छोटी सी झलक देखी टीज़र के अंदर, क्या भाई साहब एक्चुअल में कुछ दमदार मटेरियल, कुछ दमदार माल इनके पास है कि नहीं, वो तो जब मूवी आएगी तब मालूम पड़ेगा। लेट्स सी आप कितने एक्साइटेड क्लिप स्पिन करेगा और आपको हरर गंगे का ये टीज़र कैसा लगा, क्या लगता है भाई क्या पवन सिंह कुछ ज़बरदस्त धमाका करेंगे या फिर नहीं, जो मेरे तक कमेंट करेगा। चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाय बाय।